तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाटरप्रूफिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। यानी कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को जानना है कि जब वो किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में काम कराते हैं या किसी अदर प्रोजेक्ट में, तो आपकी जो वाटरप्रूफिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, और जो भी आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन कौन सी वाटरप्रूफिंग को कहां पर कैसे यूज करना है और उनको ज़्यादातर के BOQs में कौन सी आइटम कहां पर देखने को मिलेगी, तो उन सभी बातों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद में वाटरप्रूफिंग का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम अपने चैनल पर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके QS, बिलिंग, कॉस्टिंग और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेसिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको ये सारी जो भी वाटरप्रूफिंग मैंने इसमें दिखाई हुई हैं, जैसे कि फाउंडेशन में, आपके रिटेनिंग वॉल में, STP का टैंक, UG टैंक, किचन टॉयलेट, डेक स्लैब, बालकनी, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा। एक बहुत ही कॉमन सवाल ले लेते हैं जो कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ दिया जाता है कि डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसका बहुत ही छोटा सा जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। जहां पर पानी का हाइड्रोलास्टिक प्रेशर रहेगा वहां पर वाटर प्रूफिंग होती है हमेशा। और दूसरा केस, जहां पर आपकी सीपेज या फिर कैपिलरी सिस्टम के थ्रू पानी का आने के चांसेस होते हैं, यानी कि पानी आएगा तो, लेकिन वो रिस के आएगा, यानी कि वहां पर कोई भी हाइड्रोलास्टिक प्रेशर नहीं होगा, तो वहां पर आपकी डैम प्रूफिंग होती है। और कॉस्ट भी इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अब सबसे पहले हम लोग ऑप्शन क्रिएट करेंगे कि अगर ये हमारा एक टावर है और टावर के केस में ये आपके दो बेसमेंट हैं, तो इसमें वाटर प्रूफिंग तो होगी ही होगी। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाटर प्रूफिंग जो मटेरियल्स आते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव और रिएक्टिव का पर्पज क्या है कि वाटरप्रूफिंग में यूज किए जाने वाले वो मटेरियल्स जो पानी के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट कौन सा करेगा, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी एक होती है क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग, यानी कि ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, आप लोगों ने सुना भी होगा और आजकल के ट्रेंड में बहुत सारे केसेस में यूज हो रही है। क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग क्या होता है कि बेसिकली जब आपकी ये फाउंडेशन की जो ये वाली राफ्ट है और इसकी जो रिटेनिंग वॉल जब आपकी कास्ट हो रही होगी इस बेसमेंट की, तो वो क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइन का एक रेशियो होता है उसको कंक्रीट में ही मिक्स कर देंगे, तो वो आपके क्या हो जाता है, कॉन्क्रीट का ही इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। तो एक टाइप से कह सकते हो ये रिएक्टिव इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग होती है, और कभी भी आपके इस साइड से या सीपेज के थ्रू पानी आएगा उस कंक्रीट के कांटेक्ट में, तो वो क्रिस्टल रिएक्ट होके वहां पर फॉर्म बनाकर उसके कैपिलरी सिस्टम्स को या जो भी सीपेज है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं प्रॉपर, ठीक है। और नॉन रिएक्टिव वो हो गए जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब इसके बाद में अगली बात करते हैं हम लोग सिंगल कंपोनेंट और टू कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग की, जो मोस्ट ऑफ केसेस में BOQ में देखने को मिलती है। तो चलिए पहले मैं उसको लिख देता हूं। अब देखिए, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स ने आपकी साइट पर सुना होगा या फिर आपने BOQs में पढ़ा होगा टू कंपोनेंट सीमेंटीशियस वाटरप्रूफिंग, जिसको हम लोग एक आम भाषा में टेप क्रीट भी बोलते हैं, और सभी सिविल इंजीनियर्स ने टेप क्रीट के जो काम होंगे किचन्स में, टॉयलेट्स में, आपकी बालकनीज में, यानी कि जो भी आपका स्पैन है स्लैब का अगर वो छोटा होगा तो वहाँ पर आपकी टेप क्रीट कराई जाती है। वहीं अगर आप बात करोगे जो आपकी डैक स्लैब होती है, यानी कि ये आपका हो गया टावर एरिया, ये बेसमेंट, और बेसमेंट के स्लैब के ऊपर जहाँ पर आपका ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है, आपको ग्रीनरी यानी कि जो ग्रीन एरिया में काम करना पड़ता है, तो वो होती है आपकी डैक स्लैब। और डैक स्लैब में हमेशा की जाती है आपकी सिंगल कंपोनेंट वाटरप्रूफिंग, यानी कि PU, जिसको हम लोग पॉलीयूरेथेन बोलते हैं।
अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो पीयू है ये हम किचन में क्यों नहीं कर सकते हैं, या फिर किचन में जो हम टेप क्रिएट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन रोल है वो है आपका इलोंगेशन का, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का और कंक्रीट से एडेशन की स्ट्रेंथ का, ये तीनों चीजें आपकी मैटर करती हैं। अब देखिए आपकी जो कंक्रीट होती है ये आपको पता है कि जब भी कभी आपके टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें आपके चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशन में। और आपको पता है कि बेसमेंट में जो आपकी स्लैब डाली जाती है तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्पैन होते हैं, जबकि जो आपके किचन टॉयलेट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पर उनके जो एक्सपेंड होने के चांसेस जो कम होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इन वाटर प्रूफिंग का सिलेक्शन होता है। यानी कि स्पैन जितना ज़्यादा लंबा तो वहाँ पर इलोंगेशन ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी, बारिश होगी, तो उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा। और वहाँ पर अगर मान लीजिए हमने ये वाला यहाँ पर यूज कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी वाटर प्रूफिंग फट जाएगी, क्रैक आ जाएंगे उसमें। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसे आपकी ये वाटर प्रूफिंग के सिलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग होती है, इसके अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपको ढेरों प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन आपको हमेशा कभी कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग में जो मेन रोल है, चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, उसमें मेन रोल होता है आपका पॉलीमर्स का, क्योंकि पॉलीमर्स के बेसिस पर ही ये आपका जो टेप क्रीट है या जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं एक रिटेल यूज के लिए, वो पॉलीमर के बेसिस पर ही होते हैं। अब यहाँ पर टू कंपोनेंट की बात हो रही थी, तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका पॉलीमर्स जो आपका लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म में हो सकता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है आपका सीमेंट। तो यहां पर कितने कंपोनेंट हो गए हमारे, दो कंपोनेंट हो गए, तो इन्हीं दोनों को मिलाकर आपका ये टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटरप्रूफिंग बनता है। अब यहां पर ध्यान रखनी है किन्हीं किन्हीं जो आपकी अच्छी कंपनीज हैं तो वो सीमेंट के साथ जो पाउडर फॉर्म में होगा, यानी कि वो क्या करेंगी, एक आपको लिक्विड फॉर्म दे देंगी और एक अपना ही फिलर, यानी कि वो एक टाइप से सीमेंट ही है तो वो एक फिलर या फिर कंपाउंड या कुछ भी बोल के एक लिक्विड दे देंगे और एक पाउडर दे देंगे फिलर। तो यानी कि इन दोनों को रेशियो में मिक्स करके यूज करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। अब यहाँ पर बात आती है सिंगल कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग की। सिंगल कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग आपकी डेस्क स्लैब के ऊपर होती है, और डेस्क स्लैब के ऊपर जब आप उसको करते हो ब्रश से या फिर आपके रोलर से या फिर स्प्रे से, ये किसी भी मेथड से कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी वाटर प्रूफिंग भी होती है डेस्क स्लैब के केस में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो मेम्ब्रेन एक वर्ड आ रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी आपकी अलग अलग टाइप की आती हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म, सीट फॉर्म, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि जिससे कि ये जो मेम्ब्रेन का जो वाटर प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए वाटर प्रूफिंग की बात की जाए तो जो आपकी मेम्ब्रेन होती हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं, और दोनों मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक होगी आपकी फ्लूइड अप्लाइड लिक्विड मेम्ब्रेन और दूसरी होगी आपकी सीट मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए लिक्विड मेम्ब्रेन जो होगी उसमें क्या होगा कि जो वाटर प्रूफिंग का जो मटेरियल होगा वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में आएगा, और जब उस मटेरियल को आप कैसे भी अप्लाई करोगे, स्प्रे से, बाय ब्रश, बाय रोलर, तो उससे क्या होगा कि जब उसको वाटर प्रूफिंग वो सेट हो जाएगी तो वहाँ पर वो जो एक फिल्म क्रिएट करेगी तो वहाँ पर वो मेम्ब्रेन बना देगी, तो वो एक टाइप से आपकी लिक्विड हो जाती है। और इसमें भी दो केसेस होते हैं, एक होता है आपका कोल्ड अप्लाइड सिस्टम जो कि पीयू, यानी कि जो हमने बात की थी पॉलीयूरेथेन की, तो ये बेसिकली कोल्ड अप्लाइड सिस्टम है, और जहाँ पर जिन भी लिक्विड मेम्ब्रेन्स में बिटुमिन आ जाता है तो वहाँ पर हॉट अप्लाइड सिस्टम हो जाता है, क्योंकि बिटुमिन को आपको लगाने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। तो ये दो केसेस होते हैं कोल्ड एंड हॉट आपके लिक्विड मेम्ब्रेन में। और वहीं जब बात आती है सीट मेम्ब्रेन की, तो सीट मेम्ब्रेन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के इसके रोल आते हैं, और एज पर मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन है तो उसके हिसाब से उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अभी सबसे जो लेटेस्ट चल रही है TPO, यानी कि TPO मेम्ब्रेन, जो आपकी जो टेरेस होती है तो इसकी वाटर प्रूफिंग में ये ज़्यादातर यूज हो रही है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद में आपकी जो पुराने टाइम से यूज हो रही है APP रबराइज्ड एस्फाल्ट, यानी कि जो आपके बिटुमिन के जो रोल्स आते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होती हैं, तो वो आपकी APP सीट्स होती हैं, और ये भी आपकी टेरेस में यूज होती हैं। लेकिन अब लोग इसको अवॉइड कर रही हैं क्योंकि इसके जो जंक्शन वाले पार्ट पर जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो जॉइंट खुल जाते हैं, जहाँ पर लीकेज के चांस ज़्यादा होते हैं,
तो अब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्ट एपीपी सीट को अवॉइड कर रहे हैं। इसके बाद में एक होती है आपकी एसबीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रबर, इसकी भी हमारी सीट्स आती हैं। ये बेसिकली हमारी की जाती है, ये जो आपकी रिटेनिंग वॉल होती है, तो रिटेनिंग वॉल के जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि जहां सर सीपेज या पानी जाने के चांसेज होते हैं, तो बाहर के केस में ये एसबीआर सिंथेटिक रबर की वाटर प्रूफिंग यूज होती है और ये भी आपकी सीट के फॉर्म में आती है। कुछ आपके थर्मोप्लास्टिक्स भी आते हैं, वो भी आपकी सीट मेम्ब्रेन की कैटेगरी में है। तो ये बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फटाफट रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी वाटर प्रूफिंग्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड बीओक्यू बनाया हुआ है और उसकी जो एक्सेल की सीट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप उस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी बीओक्यू बनाना हो और कोई भी पर्टिकुलर आइटम अगर उसमें डालनी है, तो उसके लिए रेफरेंस के लिए आप उस सीट को यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किसी एक बिल्डिंग में अगर आपको वाटर प्रूफिंग करानी है और आपको अगर बीओक्यू बनाना है, तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँगा सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की, तो वहाँ पर हमारी होती है कोटा वाटर प्रूफिंग। किस केस में? बेसमेंट के, फाउंडेशन के केस में और रिटेनिंग वॉल के वर्टिकल सरफेस में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वाटर प्रूफिंग में जो आपका मोटार, स्लरी या जो भी मटेरियल यूज होगा सीमेंट के साथ में, तो उसमें आपको वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाना पड़ेगा। और वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, वो पॉलीमर्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो यानी कि जो भी वाटर प्रूफिंग कंपाउंड आप कोटा वाटर प्रूफिंग मिलाओगे, तो पॉलीमर्स का उसमें मेन रोल है मोटार और स्लरी में। दूसरा हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम कोटा वाटर प्रूफिंग ना कराएं, दूसरा हमारा हो सकता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसका हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब आपकी इसकी जो फाउंडेशन की राफ्ट और ये रिटेनिंग वॉल जब आपकी कास्ट कराई जाएगी, तो उसी में ही ये क्रिस्टलाइजेशन जो आपका पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको उसी में मिक्स करके कॉन्क्रीट का ही इंटीग्रल पार्ट बनाकर उसको बंद कर दिया जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस होता है हमारा HDPE की लोड सेंसिटिव मेम्ब्रेन। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है। इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है कि जब आपकी PCC हो जाएगी, PCC के बाद में आपकी ये HDPE की लोड सेंसिटिव मेम्ब्रेन को पूरे में बिछा दिया जाएगा और उसको फिक्स कर दिया जाएगा, और उसके ही ऊपर आपका सारा लेआउट होगा, रेनफोर्समेंट कॉलम सारा, और जिसके ऊपर जो भी रेनफोर्समेंट स्टील आप रखोगे, बांधोगे, तो वो सारी चीज़ों को ये एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन जैसे ही कॉन्क्रीट की पोरिंग इसके ऊपर होगी, जैसे ही राफ्ट का उसके ऊपर लोड आएगा और लोड जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो ये सीट जो है वो उसी के साथ अटैच हो जाती है, चिपक जाती है, तो नीचे से किसी भी टाइप का पानी का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये लोड सेंसिटिव जो मेम्ब्रेन है, ये भी आपकी यूज होती है। इसके बाद में जो अगली वाटर प्रूफिंग है, वो हमारी डेक स्लैब की, और डेक स्लैब में आप दो केसेस यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका PU जो सबसे बेस्ट है, और दूसरा है आपका APP या फिर जो भी आपकी सीट मेम्ब्रेन है। सीट मेम्ब्रेन में आप SBR भी यूज कर सकते हो, जो हमने बात करी थी SBR मेम्ब्रेन की। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट है हमारा, टॉयलेट या किचन में हमारी कौन सी वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, वो हमारी होती है टू कंपोनेंट टेपक्रीट, यानी कि टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस एक्रेलिक मॉडिफाइड या जो भी आप बोल लीजिए, लेकिन मेन कंपोनेंट आपका पॉलीमर ही है, तो टू कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग लिख दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? किचन्स, टॉयलेट एंड बालकनीज। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आपके स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो उन केसेस में भी आप सेम जो कंपोनेंट है, ये जो टू कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक जो उसकी एडेशन की स्ट्रेंथ है, उसके इलोंगेशन है और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा हायर क्लास में उसका मटेरियल को सिलेक्ट कर आप स्विमिंग पूल वगैरह में या फिर आपके STP में या फिर UG टैंक में भी या फिर ओवरहेड टैंक में, जो टेरेस के ऊपर टैंक होते हैं, तो इनमें भी आप उसको सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटेक्शन को हम बाद में क्लियर करेंगे। तो इन केसेस में हमारी हो जाती है टेपक्रीट। टेपक्रीट के बाद में अब हम चलते हैं टेरेस पे, यानी कि जो हमारा टेरेस होता है, तो टेरेस के ऊपर हमारी डिफरेंट डिफरेंट वाटर प्रूफिंग्स होती हैं। जैसे पुराने टाइम से बात करूं, तो हमारा क्या होता है? ब्रिक बेड कोबा। और ब्रिक बेड कोबा के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ब्रिक बेड कोबा का पूरा प्रोसेस आप समझ सकते हैं। ये वाटर प्रूफिंग प्लस थर्मल इंसुलेशन दोनों के लिए यूज होता है। दूसरा हमारा आ जाता है PU। टेरेस के लिए मैं बता रहा हूँ, टेरेस में भी आप PU कर सकते हैं।
तीसरा हो जाता है हमारा TPO मेम्ब्रेन, जो अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में चौथा हो जाता है हमारा APP मेम्ब्रेन। तो ये जो चार केसेस हैं ये हमारे टेरेस की वाटरप्रूफिंग के लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है किन्हीं किन्हीं केसेस में हमारी इसमें ग्राउटिंग भी होती है, जिसको हम लोग इंजेक्शन ग्राउटिंग या फिर निप्पल ग्राउटिंग भी बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसमें जो मोटार है या जो स्लरी है वो दो केसेस में यूज होती है, जिसमें पहला है हमारा कि जो भी आपको इंजेक्शन ग्राउटिंग करनी है उसमें एक्रेलिक या फिर SBR बेस्ड पॉलीमर्स को 2% सीमेंट की जो भी क्वांटिटी हो तो उसको स्लरी के साथ मिक्स करके आप उनको फिल कर सकते हो, जो भी निप्पल के जो ग्राउट्स हैं आपने लगाए हैं किसी भी वॉल में, टैंक में, STP में, रिटेनिंग वॉल में। और दूसरा होता है आपका इपॉक्सी ग्राउट, यानी कि इपॉक्सी के साथ उसकी फिलिंग होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है दोनों की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपकी जो एक मटेरियल है मार्केट में, अगर मैं बात करूँ ये जो पॉलीमर्स का, ये 42-45 रुपीज़ पर केजी के आसपास आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। वहीं इपॉक्सी ग्राउट की बात करोगे तो ये आपको 70-80 रुपये पर केजी के आसपास मिलेगा। तो ये आपके मटेरियल होते हैं, और जो प्रेशर हमें एक्चुअल में देना होता है ग्राउटिंग करते टाइम, तो जो भी कंक्रीट की हमारी स्ट्रेंथ है, सपोज अगर हमारी जो वॉल है अगर M25 की है तो प्रेशर हम मैक्सिमम M25 की स्ट्रेंथ तक का ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का प्रेशर हमें अचीव नहीं करना होता है। और इंजेक्शन ग्राउटिंग के केस में जो आपकी मेजरमेंट होती है तो एक्चुअल जो कंजम्पशन कितना उसने लिया है ग्राउट ने, यानी कि आपको ग्राउट तब तक करना होगा कि जब तक वो उसके अंदर मटेरियल लेना बंद कर दे, और जो भी आपका एक्चुअल कंजम्पशन होगा तो उसको रजिस्टर में नोट किया जाता है और उसके बेसिस पर इसकी पेमेंट की जाती है। तो ये आपका ग्राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पॉलीमर का जो एक रोल है वो वाटर प्रूफिंग में सबसे ज़्यादा है, और जो भी आपकी कंपनियाँ हैं वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं इसी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज़ क्वालिटी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन में चेंजेस वगैरह करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि PPC पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी कि किसी सीमेंट में आपने पॉलीमर्स को मिक्स कर दिया तो वो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट हो गया, और उसका आपने पेस्ट बना दिया तो वो क्या हो गया, क्रैक फिलिंग वगैरह में यूज होने लगेगा। यानी कि किसी स्लैब में क्रैक आ गया है, किसी वॉल में क्रैक आ गया है, या किसी एरिया में आपको फिलिंग करनी है, तो वहाँ पर वो एक अलग प्रोडक्ट हो जाता है। PMC पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटीशियस मिक्सचर, यानी कि आपने जो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट के थ्रू आपने क्या किया है, कोई मोटार बनाया है, तो वो भी एक टाइप से आपका फिलिंग का मटेरियल हो गया, और उसी के बेसिस पर ये भी आपका एक नया प्रोडक्ट बन गया। LMC लेटेक्स मॉडिफाइड कॉन्क्रीट, ये भी आपका पॉलीमर बेस्ड है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेन आपका पॉलीमर ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपके रिपेयरिंग के काम होते हैं, क्रैक्स फिलिंग के काम होते हैं, तो वो उनमें यही सारी चीज़ें यूज होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली CPWD ने क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग में जो आपका मेन यूज होता है जो मटेरियल, जिसमें आपका क्रिस्टलाइन मोटार प्लस वाटर को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर आपके सीलिंग क्रैक्स, यानी कि जो कोई क्रैक्स वगैरह आ गए तो उसको सील करना है। दूसरा फॉल्टी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, कहीं पर मान लीजिए कोई स्लैब में आपने दो पार्ट या तीन पार्ट में स्लैब डाली है और वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, और हनी कॉम्बिंग के केस में, तो ये वाला जो एप्लीकेशन भी उन्होंने सजेस्ट किया है। तो ये बेसिकली वाटर प्रूफिंग जो है एक बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था जो सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने आपको कवर की है, और यही सारी डिटेल आजकल के ट्रेंड में हमारे मार्केट में चल रही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके लिए कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी वाटर प्रूफिंग की जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन भी होती है, यानी कि या तो वो सीमेंट मोटार के साथ एज ए प्लास्टर, या फिर आपकी कॉन्क्रीट की जो स्क्रीडिंग वगैरह होती है तो उसके थ्रू, वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कैसा मूवमेंट है, ट्रैफिक है, तो उसके हिसाब से वो सिलेक्शन होता है कि वाटर प्रूफिंग की जो भी कोटिंग्स आपने ये की हैं तो उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।